अनुपमा आज रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो सचिन तू ही बता, तुझे क्या लगता है? देख बाबा मैं क्या बोल रही, अपन ने पहली चीज के बारे में बात की है, तू और मैं सेम टू सेम चीज बोल रहे थे कि आकाश ये घर में नहीं मांगते, तो भी मेरा जवाब बदलने नहीं वाले, मेरा जवाब वही चाहिए। अरे ये लोग सब जो भी बोल रहे हैं ना, तेरे दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तू ये लोग की बातों में मत आ बता रहे मैं। ये बात भूल मत कि ये पूरा रायता ये आकाश की वजह से फैले। ये भगोड़ी महीना, ये जब शादी से फूदकी थी ना तेरा पैसा लेके इसको मंडप पे अकेला छोड़ के, इतना रायता फैलाने के बाद भी इसको घर में वापस लिया है ना, वही मेरे लिए बहुत है। दिल पे पत्थर रख के किया था वो भी। जो तेरी इज्जत नहीं करता है ना बाबा, वो इस घर के बाहर होना मांगता है, बात खत्म है, आकाश ये घर में नहीं आएगा, फुल टू फाइनली। काकू प्लीज प्लीज रुकिए। बाबा तेरे को अगर कुछ लग रहा है ना मैं गलत बोल रहा है तो मेरे को बता। काका इस घर में सबने अपने स्वार्थी निर्णय लिए कभी ना कभी, पर आप है जिन्होंने हमेशा परिवार के बारे में सोचा है, परिवार को सबसे आगे रखा है, इसलिए आपको जो सही लगे आप वो निर्णय ले, उसी में हम सबकी भलाई है। ये सहेली क्या फालतू का बंकस कर रही है, काय को बाबा को कंफ्यूज मार रही है, तेरे से पूछ रहा है कोई? नहीं सचिन, सहेली सही कह रहे हैं, मन में क्रोध घृणा रखना सही नहीं है। उम्र के साथ साथ ये भी समझ में आता है कि किसी दूसरे की जिंदगी का फैसला हम नहीं कर सकते, चाहे वो तुम्हारे खुद के बच्चे ही क्यों ना हो। चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आकाश और वो लड़की इस घर में आ सकते हैं। तू क्या बोल रहा है बाबा? देख सचिन, इसके पहले मेरे दिमाग में कई बातें चल रही थी, लेकिन साइली की एक बात से मुझे साफ रास्ता दिखाई दिया, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।